फ्रॉम माउंटेनियरिंग टू मैनेजमेंट। यस, तो उसका निचोड़ क्या था जो आज आपको उसका अनुभव पूरा है? माउंटेन्स आपको क्या सिखाता है जो मैनेजमेंट में महत्वपूर्णता देता है? माउंटेनियरिंग में जो हम सीखते हैं वही डे टू डे लाइफ में भी है, वर्क प्लेस में भी है, कहीं पर एक परिवार में है। मैं सोचती हूँ वो जो लर्निंग होती है एक टीम का, एक जिम्मेदारी लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, सबको हेल्प करने का, और वो लर्निंग मेरा था जो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट थी कि हमारे टाटाज के जो विजनरी लीडर्स, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि एक फुल फ्लेजर डिपार्टमेंट जो कि तब कहीं सुनने को नहीं मिलता था, तो वो उन्होंने सोचा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे पूरा का पूरा उसका जिम्मेदारी दी। और मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने एमए किया था, बीएड किया था, वो कम नहीं है जी। हाँ, बीएड कुछ है। हाँ, अगर मैं अपने साथ कुछ लेके आई थी तो मेरे माँ पिताजी ने जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दिए थे, ईमानदारी और मेहनत, मैं यही देखा था। मैंने अपने माँ पिताजी के में भी देखा था, वो गरीब रहे लेकिन कभी कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये तो रग रग में भरा हुआ था। वो पैदा कैसे हुई बात कि कहाँ पे क्या करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक एडवेंचर कल्चर बनाए, लोग जाने, जब मैं आए थे यहाँ पे तो कोई माउंटेनियर यहाँ पे था नहीं, तो मेरा जो गोल था, लक्ष्य था, वो था कि एक ऐसा माहौल बनाए, एक एडवेंचर कल्चर टाइप के बने, लोग जाएं, डलमा जो यहाँ हिल है, लोग वहाँ पे जाएं। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, धीरे धीरे बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लोगों का मन बदलना, तन बदलना। लेकिन एक चीज खास बात थी कि मैं हमेशा सबके साथ होती थी ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए, अगर बचेंद्री पाल कर सकती है तो हम क्यों नहीं, क्योंकि मैं ही इतना कुछ भुगत करके आई थी एवरेस्ट में जो भी था, अपने उस माइंडसेट गांव से जब निकली थी तो मुझे वो सारा तजुर्बा था, मेरा वो अनुभव था, तो वो जो मैं माइंड से कभी नहीं निकाला मैंने। और जब मैं टाटा स्टील में आई तो यहाँ भी विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा जोर था, अलग अलग प्लेटफॉर्म से नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता था, और मैंने भी ये ठान लिया कि नारी सशक्तिकरण थ्रू एडवेंचर। उसके साथ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था कि कितनी मुश्किल होती है, अगर लड़कियाँ कोई अचीव करते हैं तो उसके पीछे कितना संघर्ष होता है, कितना स्ट्रगल होता है, अगर मुझे ये इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आपके जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग वगैरह हैं या आपके माउंटेनियरिंग कोर्सेज हैं, आपके अनुभव में किस तरह के लोग आमतौर पे आते हैं? जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते थे उनको ग्रेजुएट इंजीनियर्स बोला जाता था शुरू में, तो उनके लिए तो वो लोग जाते थे दार्जिलिंग, वहीं पर ही उन लोगों के 8-10 दिन का प्रोग्राम होता था, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हमारे छोटे चाचा जो थे उनके गाइडेंस में थोड़ा बहुत कुछ होता था। लेकिन मेरे आने के बाद एक फुल फ्लेजर डिपार्टमेंट होना एक मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जब उनके लिए ये सब प्रोग्राम होता, जब मैं आ गई तो फिर मैं करती थी उनके लिए जीटीज है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उस समय उन्हीं के लिए था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं उनको लेके जाती थी उत्तरकाशी में माउंटेन्स में, तो वो लोग हमेशा ये पूछते थे मैम हम लोग माउंटेनियर नहीं बनने वाले हैं, ये सब क्यों? उस समय ये कॉन्सेप्ट क्लियर था ही नहीं कि व्हाट ऑल वी लर्न बाय क्लाइंबिंग ए माउंटेन, बिल्कुल नहीं था, इंडिया में कहीं था ही नहीं, विदेशों में था कि भाई क्या कुछ लर्न करते हैं हम लोग वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं और टीम बिल्डिंग के लिए वगैरह, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं था ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ एडवेंचर होता था जैसे सारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हाँ वो पहाड़ चढ़ना है और वो क्लाइंब करना है, दैट्स ऑल। लेकिन उसके पीछे टीम बिल्डिंग एंड जो टीम डायनेमिक्स जिसको बोलते हैं वो कितना कुछ होता है, सेल्फ लीडरशिप की जिम्मेदारी क्या होती है, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ये बहुत कुछ। इतना सच्चे स्टर्निंग क्लासरूम ट्रेनिंग ऑफिसर जो पूछते थे तो मैं सोचती थी इसका जवाब मेरे पास सही है नहीं, अभी मैं इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती हूँ। तो एक भूख थी एक अंदर कुछ सीखने का, और उसके बाद मैं विदेशों में गई, कई कंट्रीज में गई, उनके साथ मैंने सीखा, तो वो सीखने के बाद मेरा भी ग्रोथ हुआ और मेरा डिपार्टमेंट का भी ग्रोथ हुआ। तब हम फोकस थे कि लीडरशिप स्किल लर्निंग थ्रू एडवेंचर, तो फिर हमारे पास जवाब था कि हु क्लाइम द माउंटेन्स, व्हाट ऑल यू रिक्वायर टू क्लाइम ए माउंटेन टू टेक अप द चैलेंज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड एक बॉन्डिंग आपस में, और नो अबाउट यूर सेल्फ, बी ए गुड टीम पर्सन। तो वो दौर था, एक भूख थी अंदर, एक जुनून था कि इसको कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं। वो हिलरी ने कहा था, मेरे ख्याल से उनके किताब का भी टाइटल था, नथिंग वेंचर नथिंग विन।
कोई चीज का रिस्क आप नहीं लेंगे, बिल्कुल किसी चीज को आप पाएंगे नहीं। मैं तो यही बोलती हूँ, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क। जो रिस्क नहीं लेते उनके लिए तो रोड क्रॉस करना रिस्क है। मैंने तो जिंदगी भर ऐसे ही लिया है, एक के बाद रिस्क। और सबसे बड़ा मेरा यही था कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रोग्रेशन ऑफ स्किल, प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज के द्वारा कैसे आप अचीव करते हैं अपना गोल। और खुद रह के मैंने जितना भी शुरुआत में खुद लीड किया, उनके साथ रही, समझी इनके कहाँ प्रॉब्लम है, ये तब मुझे अल्टीमेटली मुझे पता चला कि इसको एक लर्निंग जब तक नहीं बनाए हम लोग, तब तक लोग इसमें रिस्क लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। सीखना है तो सबसे सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि छोटा है या बिल्कुल है। बिल्कुल पहाड़ी में सभी जो है एक समान है मेरे को। वो गोल तो सबके लिए होता है, चाहे वो एक किसी कंपनी का सीईओ हो या कोई मिनिस्टर हो या फिर एक साधारण आदमी जा रहा है, तो दोनों के लिए चैलेंजेस ऐसे नहीं है, उनके लिए कुछ कम्फर्ट्स वहाँ पे होगा। आपका ही कहा हुआ किस्सा है, आप बताइए, मुझे अभी भी याद है, बहुत मजेदार है। आप जानते हैं ना, बाबू मोशाई विद्या बुझाई बाबू मोशाई, वो संक्षेप में वो क्या किस्सा क्या था? एक मेरी फ्रेंड थी, वो बंगाली थी और वो विदेशों में रहती थी, नीदरलैंड वगैरह, तो वो आई थी, एक ट्रैक ज्वाइन किया उसने। तब जब वो देखती थी मेरा इंटरेक्शन ट्रेनीज के साथ में, पार्टिसिपेंट्स के साथ में, और वो पार्टिसिपेंट्स को भी देखती थी, लोग इतने रिजिड, सिर्फ वो सोचती थी कि फिजिकल है, लर्निंग का क्या है इसमें या कुछ ऐसा। तो वो मुझे बोली कि बचेंद्र जी, ये वाला बात जरूर तुम शेयर करो उनसे कि विद्या बोझाए बाबू मोशाए। बाबू मोशाए बहुत ही लर्नेड आदमी, तो एक बार वो कहीं नाव में जा रहे थे, समुद्र के कहीं से कहीं जा रहे थे, तो वो उसने नाव वाले को देखा और बाबू मोशाए ने कहा कि देखो तुमको पता है ये सामने जो धूप निकलती है, सूरज निकलती है और फिर अस्त होती है, तो ये क्यों होता है? तो बेचारा नाव चलाने वाला बोला, नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है, बस मैं तो अपने काम में हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो बोला अरे तुम्हारा तो 25% लाइफ है बेकार है, क्योंकि तुमको इतना भी नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद फिर और आगे गए, फिर वो लर्नेड आदमी बाबू मोशाए, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, ये सामने जो सी बीच के पास में कुछ कुछ ग्रीन दिख रहे हैं, वो क्यों है? ये हरा क्यों दिखता है? पेड़ पौधे ये सब हरे क्यों दिखते हैं? तो उसने बोला मुझे तो ये भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला तुम्हारा तो 50% लाइफ बेकार है, कुछ ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता। फिर और आगे गए तो फिर बोला अच्छा एक चीज तो तुमको पता होगा, वो ज्वार भाटा क्यों आता है? तो उसने बोला नहीं मुझे ये भी नहीं पता है। बोला तुम्हारा तो 75% लाइफ गया, हाँ बेकार। और तब तक आगे और गया तो सही में ज्वार भाटा आ गया नदी में। और फिर उसने नाव वाले ने पूछा बाबू मोशाए को कि क्या आपको तैरना आता है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो बोला आपका तो 100% लाइफ गया। तो इस तरीके से हम सबको कहते थे कि जो आप किताब पढ़ते हैं उसको डे टू डे में जियो। आपको लीडरशिप स्किल्स के विषय में पता है, एक लीडर कौन होता है, हर काम करे, आगे आए, डेमोंस्ट्रेट करें, पॉजिटिव बोले, लोगों को एनकरेज करें और अपने गोल तक पहुंचे, और आप लीड करें, आप पेशेंस हो, टॉलरेंस हो। मुश्किलें सबको लगती हैं लेकिन एक लीडर अनाउंस नहीं करते सबके सामने, मैं डर गया, मैं मर गया। तो बी ए लीडर ऑलवेज। जब ये हम उनको शेयर करके, बस मैं बता रही हूँ ना, साम दाम दंड भेद करके हम अपने पार्टिसिपेंट्स को समझाते थे। लोग हंसते थे, प्रभावित होते थे, समझ में आता था उनको? हंसते नहीं थे, अच्छा। तो सीरियस हो जाते थे, उनको थोड़ा लगता था अरे बात सही है, अपने अंदर में झांकना पड़ेगा। ये तो कितना कुछ ओपन विदाउट फोर वॉल ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे आप कुछ डेमोंस्ट्रेट करके आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं जिंदगी में टू अचीव योर गोल। और रिस्क कहाँ नहीं है, एज ए टीम आपने जो गोल बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, कैसे आप वट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल अराउंड यू, कैसे उसको आप ले करके आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो सुना आपने कि बाबू मोशाए किस तरह से ज्ञान दे रहे थे, और हम्बल एक जो बोटमैन था उसका ज्ञान जो है 100% सही निकला। पर इतने ज्ञान की तो आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे सिटकॉक स्पीक्स ब्लॉग को एक्सेस करने के लिए वहाँ देखिए, उसका आइकन यहाँ पे है, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बनिए। हर हफ्ते इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा। और याद रखिए कि अगली बार हम जाएंगे बचेंद्री पाल पार्ट 4 में, हम देखेंगे कि किस तरह से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के लोगों ने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी है, कितने चढ़े हैं
और आज भी कैसे चढ़ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, प्लीज ट्यून इन, सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग एंड लिसन टू बचेंद्री पाल पार्ट 4.